हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्रभास सोल्यूशन। आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। देखिए आज क्या है यहाँ पे, आज आपका यहाँ पे सुनवाई शुरू हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत सारे भाइयों ने हमारे पास कमेंट किया कि सर इस पर कब तक फैसला आ सकता है, कब तक क्या हो सकता है। तो मैं आपको इस मैटर को समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि देखिए अभी ना तो कोई क्लियर कर सकते हैं कि कब तक ये फैसला आएगा, ना ही कोर्ट के जस्टिस साहब यहाँ पे बता सकते हैं कि कब तक सुनवाई पूरी हो सकती है, ना ही कोई बता सकते हैं, ना ही सरकार की तरफ से जो पक्ष रखने वाले हैं जैसे सॉलिसिटर जनरल साहब हो गए, ठीक है, या अटार्नी जनरल साहब हो गए, जैसे आपके राज्य में महाधिवक्ता होते हैं वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो बात रखी जाती है, वो बात रखने वाले जो एडवोकेट होते हैं उन सर को हम लोग सॉलिसिटर जनरल या फिर अटार्नी जनरल कहते हैं। तो वो भी अभी नहीं बता सकते इस मैटर पर कब तक फैसला आ सकता है, कब तक क्या हो सकता है, कब तक हियरिंग कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ से अंदाजा लगा पाएंगे कि ये मैटर कितने दिन में कंप्लीट होने का यहाँ पे संभावना है। देखिए पिछले साल UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि जो पूरे देश के यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है BA, BCom, BTech, ठीक है, ये सब जितने भी कोर्स हैं MCom, MSc, MTech है ना, ये सब कोर्स के डिग्री वैलिड है या नहीं है भारत में और विदेशों में भी, उन सबको वैलिड करने का काम UGC करती है। UGC ने 6 जुलाई 2020 को पिछले साल सर्कुलेशन निकाला था कि फाइनल ईयर का पेपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गया या एक दो और गवर्नमेंट यहाँ पे पिछले साल फाइनल ईयर वालों को प्रमोट कर दिए थे, मतलब जनरल प्रमोशन दे दिए थे कोरोना के कारण, उनका पेपर कोविड के कारण नहीं हो पाएगा फाइनल ईयर का, उनको वहाँ पे जनरल प्रमोशन दे दिया गया था। तो UGC ने वहाँ पे साफ साफ मना किया था, साफ कहा था कि ये जो अथॉरिटी है या जो आदेश देने का अधिकार है ये हमारे पास है, UGC के पास है, तो हम तो पेपर कराएंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 6 जुलाई को उन्होंने सर्कुलेशन जारी कराया था कि 30 सितंबर तक पूरे पेपर कंप्लीट करा लिया जाए फाइनल ईयर का, ठीक है। ये मामला आपका फिर सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहां पे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है, जो बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, बीएससी, बीकॉम, ये जितने भी ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, इन सभी के जो स्टूडेंट हैं वो अपने एडवोकेट सर के माध्यम से वहां पे क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किए थे। और उसका फैसला आते आते काफी टाइम हो गया। कहने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज आर्टिकल में 28 तारीख को ये अपलोड हुआ, 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था, मतलब 6 जुलाई को यहाँ पे सर्कुलेशन जारी हुआ, जुलाई में ही आपका PIL फाइल हो गया और 18 अगस्त तक फाइनल हियरिंग होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट वहां पे अपना जो भी उनका आदेश था वो उन्होंने पूरे आदेश को सुरक्षित रख लिया। हालांकि फैसला उन्होंने 18 तारीख को नहीं सुनाया, के बाद उन्होंने 27-28 के दरमियान सुनाया है। आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा डेट अगर मेरे से ऊपर नीचे हो रहा हो तो, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं जुलाई में जो मैटर आया वो आपका क्लियर होते होते आपका वो अगस्त के लास्ट तक हो गया। तो आज आपका CBSE बनाम आपका क्या है, पूरे स्टूडेंट का होना है मैटर, आपका हियरिंग फर्स्ट चालू होना है। तो इसमें भी आप समझ सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में UGC का सेम केस वही है, पेपर को प्रमोट करना या पेपर रद्द करना या फिर पेपर को कराना, ठीक है। तो इसमें कितना समय लग सकता है आप इसके मैटर से आप समझ सकते हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया। तो चलिए हम सब मिलकर के यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का यहाँ पे जो दिली ख्वाहिश है, जो तमन्ना है, वो यहाँ पे हो, बोर्ड का पेपर को फिलहाल कैंसिल करना ही यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक सही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पे असमंजस में है कि वो क्या करे कैसे करे, क्योंकि करियर और फ्यूचर दोनों है, हेल्थ भी यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी तो हमको हेल्थ को ही देना है, करियर तो है ही, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमेशा रहेगा, ठीक है, उसको आप कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अर्जेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है। तो इसको देखते हुए पेपर को रद्द आना चाहिए, है ना। तो आप देखते हैं कब तक यहाँ पे हो सकता है फाइनल फैसला वगैरह जो भी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।